सो वेलकम बैक गाइस, दिस इज डिजिशोम। और आज जो है, आज ये लॉजिटेक Z906 का मैं भरता बनाने वाला हूँ। क्यों बोलूँगा, पहले देखिए इसका जो साउंड का मैं एक वीडियो दिया था 2020, मतलब लास्ट ईयर जनवरी में इसका एक मैंने रिव्यू किया था साउंड का। तो उस वीडियो में आप लोग देख सकेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ मैंने इसके बारे में बताए। हाँ, इसका साउंड सच में बहुत अच्छा है। इसका आउटपुट 500 RMS है, इसका पीक जाता है 1000 पावर 1000 RMS तक, 1000 वॉट। लेकिन ये जब तक चलेगा ये, तब तक आपको ये साउंड का एक्सपीरियंस अच्छा करवाएगा। जब तक चलेगा मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बंदा, मतलब ये भाई साहब मेरा 2019 दिसंबर में मैंने इसको खरीदा था, और उसके बाद ये पॉपिंग साउंड करने तक लगा। मतलब फ्रंट स्पीकर, फ्रंट जो है ये सेंटर स्पीकर, सेंटर ये जो सेंटर वाला है, और फ्रंट का दोनों स्पीकर, देखिए मैंने फ्रंट का जो दोनों स्पीकर है मैंने उसको अभी खोल के रखा हूँ। क्यों खोल के रखा हूँ वो भी मैं आपको कुछ ही देर में बता रहा हूँ। ये मेरा बिल्ली है, से हाय। तो फ्रंट वाला जो दो स्पीकर है उसमें पॉपिंग वाला साउंड आ रहा है। पॉपिंग मतलब कैसे, मैं एक वीडियो दे रहा हूँ वो आप सुनिए। अगर मैं बेस 50% से ज़्यादा दे रहा हूँ और वॉल्यूम भी 50% से ज़्यादा दे रहा हूँ, तो तभी ये प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब एक पड़पड़ पड़पड़ साउंड आ रहा है फ्रंट के जो स्पीकर से, उसमें से फ्रंट राइट फ्रंट लेफ्ट इसमें से मेनली आ रहा है। अगर ये थोड़ा साउंड अगर बढ़ जाता है तो ये ऑफ भी हो जा रहा है। मतलब इसका पावर कर, मतलब फ्रंट जो स्पीकर है वो ऑफ हो जा रहे हैं, रियर के जो स्पीकर है वो चल रहे हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैंने सोचा कि कंपनी को बताया जाए। कंपनी के साथ मैंने बात किया, कंपनी बोला कि ठीक है तुम इसको लेके आ जाओ, रिप्लेसमेंट मैं दे दूंगा, क्योंकि इसका सर्विस इंडिया में रिपेयरिंग का अवेलेबल नहीं है। तो मैंने इसका वही किया, कंपनी के साथ बात किया। तो कंपनी के, मेरा कोलकाता में अभी लॉकडाउन चल रहा है फिलहाल, तो अप्रैल के महीने में इसको मैंने लेके गया अपने पर्सनल व्हीकल में लेके गया, और उसके बाद उसका रिप्लेसमेंट हुआ। रिप्लेस करके मुझे 10 या 12 दिन के बाद मुझे कांटेक्ट किया गया कि हाँ आपका जो नया वाला सिस्टम है वो आ गया है, प्लीज़ आप लेके आके ले जाइए। मेरे घर से वो सर्विस सेंटर कम से कम 15 किलोमीटर दूर है। तो मैंने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जाके ले आ रहा हूँ। तो ये वाला मेरा नया वाला सिस्टम है, ये अभी 2 महीना हुआ है, मैं ये जून को शूट कर रहा हूँ वीडियो, और ये अप्रैल के महीने में ये आया था, मैं लेके आया था। ये वाला सिस्टम जो है ये फुल न्यू सिस्टम आप बोल सकते हो। तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, जो पॉपिंग वाला साउंड है वो सेम। तो मैंने फिर से कंपनी को मेल किया कि भाई देखो ये फिर से ये वाला साउंड आ रहा है, तो इसका कुछ कर सकते हैं क्या? तो कंपनी ने मुझे को बोला कि सर वही वाला रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, आप जाइए आपके सर्विस सेंटर में और आप रिप्लेस करके ले लीजिए। तो मैंने उन लोगों को बोला कि ये वाला जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ये तो नॉर्मली जाने वाला है नहीं, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग का ही प्रॉब्लम है, या सर्किट बोर्ड में कुछ, इसका क्लास डी एम्पलीफायर में जो इसका लगाया हुआ है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है? तो इसीलिए ये बार बार ऐसा हो रहा है। देखिए पूरा ब्रांड न्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो कंपनी ने मुझे और कुछ रिप्लाई तो फिलहाल नहीं दिया है। तो मैंने आज ये सोचा कि मेरे यहाँ पे लोकल जो शॉप है, चांदनी चौक, आप जो सब कोई जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा मार्केट है कोलकाता में, तो मैंने उसको इसको ये वहाँ पे लेके गया, और वहाँ पे उसको वहाँ पे लेके जाने के बाद मैंने वहाँ से जो वो जो एक बंदा है वो मेरा बहुत ही पुराना खास बंदा है, वो बोला कि हाँ ये इसका रिपेयरमेंट हो सकता है, लेकिन
जो इसका जो बोर्ड में प्रॉब्लम है सर्किट बोर्ड में, मतलब ज़्यादा बेस देने से ही इसका सर्किट कट हो जा रहा है, जो फ्रंट का जो स्पीकर से उससे वो कट हो जा रहा है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी ये नहीं हो सकता क्योंकि अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के बाद ही जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने गया, मेरा 25 किलोमीटर लॉस हुआ, 15 15 30 किलोमीटर, सॉरी 30 किलोमीटर मेरा लॉस हुआ, वो भी 15 किलोमीटर मेरे घर से दूरी है। तो जाके मैंने बात करके वह फिर से लेके आ गया, बस गया और आया और कुछ काम नहीं हुआ। तो देखते हैं लॉकडाउन खुलने के बाद क्या होता है। लेकिन मेरा कंपनी से यही बोलना है, भाई तुम इसको बना दिए हो इतना सॉलिड, इतना कुछ ये धूमधाम मार सकता है बेस, तो ये मतलब कस्टमर कौन खरीदेगा? जैसे मेरे जैसे बेस लवर, जैसे मैं बेस मुझे पसंद है, मैं लाउड साउंड पसंद करता हूँ, तो मेरे जैसे ही लोग खरीदेंगे, ऐसे कि नहीं जो लोग रेडियो सुनते हैं वो खरीदेंगे, ऐसे तो नहीं है। तो कंपनी को ये सोचना चाहिए, हाँ भाई कंपनी प्रमोशन के लिए दे दिया है 500 वाट कंटिन्यूअस RMS, 1000 वाट पीक RMS, इतना बेस धूमधाम मार, 380 चेक सर्टिफिकेट, भाई उसका फ़ायदा क्या? जब ये लॉन्गजिविटी मतलब 1 साल 1.5 साल भी नहीं चला मेरा ये वाला स्पीकर, पुराना वाला स्पीकर, अगर मैं उसको कंपनी मतलब ऐसे न्यू पकड़ूँ, ये 2 महीना हुआ है सिर्फ, तो उसका फ़ायदा क्या है कि नहीं? तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, बेकार 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 में इतना कुछ बोल के प्रमोशन कर रहे हो, और फिलहाल अभी अमेजोन में ये डिसकंटिन्यूड है, ये मिल नहीं रहा है। तो कंपनी को मतलब देखना चाहिए कि हाँ एक प्रोडक्ट हम लोगों ने लॉन्च किया, और ऐसा ही नहीं कि ये एकदम रद्दी मार का मतलब 3 4 हज़ार 5 हज़ार में मिल रहा है, ये 20 हज़ार के मैंने खरीदा था, ये लास्ट जब बिका मतलब अमेजोन पे अवेलेबल था शायद मैं 27 हज़ार को भी देखा है इसका। तो सोचो जो जिन लोगों ने 27 हज़ार दे के खरीदा होगा, या फिर 20 हज़ार दे के भी खरीदा है मैंने, मेरे जैसे जो जितने लोग हैं मेरे, उन लोग जितना मतलब क्या कंपनी सोच क्या रही है कि भाई एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और उसके बाद हम लोगों का कोई हेडक नहीं जो होगा कंपनी मतलब कस्टमर का ये होगा। तो प्लीज़ कंपनी इसको देखिए, अगर आप लोग कोई देख रहे हो इसका कुछ शॉर्ट मतलब कीजिए, इसका जो रिपेयरमेंट है उसका कुछ चालू कीजिए। अगर इसका कुछ रिपेयर चालू हो जाएगा तो शायद बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो चलिए इसको तो मैं लेके आ गया हूँ, अभी इसको मैं सेटअप करता हूँ, ये यहाँ पे रहता है मेरा, क्योंकि मेरा नीचे में जगह नहीं है, तो मैं इसको सेटअप करता हूँ, सेटअप करने के बाद मिलता हूँ, ठीक है। तो मैंने दोस्तों इसको सेटअप कर लिया है, देखिए ये हो गया है, लेकिन इसका जो साउंड का जो पॉपिंग इशू है वो अभी तक नहीं गया है, तो मैंने इसका एक जुगाड़ लाया है। जुगाड़ क्या है, तो इसका जो रियर साउंड का जो ये था पोर्ट था दोनों, एक सेकंड में दिखाता हूँ। तो देखिए इसका जो मैं जुगाड़ के लिए बोल रहा था, इसका जो फ्रंट का जो स्पीकर है, फ्रंट राइट और फ्रंट लेफ्ट के लिए, वो ब्लैंक है, मतलब वो मैंने इसको खाली रख दिया। और सेंटर स्पीकर का जो मेन पोर्ट है मतलब जो वायर्स है वो यहाँ से तो कनेक्टेड है, बट यहाँ से मैंने उसको खोल दिए हैं, देखिए यहाँ से वो खुला हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये भी पॉपिंग साउंड कर रहा है, तो मैंने उसको खोल दिए हैं। और मेन जो अभी रियर का जो स्पीकर है, रियर राइट और रियर लेफ्ट के लिए, तो उसी में मैं फ्रंट को भी जोड़ के रखा हूँ, और मैं 4.1 मोड पे दे के रखा हूँ, देखिए 4.1 मोड में है और ये काम कर रहा है ठीक से, कोई प्रॉब्लम तो फिलहाल नहीं है। इसका जो फ्रंट राइट और फ्रंट लेफ्ट और सेंटर, इसी में इसका मेन प्रॉब्लम है, और इसका मैं अभी 5.1 यूज नहीं कर सकता क्योंकि रियर का
स्पीकर्स में ही दो अटैच्ड है। अगर मैं 2.1 दूँ, देखिए ये रियर का साउंड मैंने थोड़ा ज़्यादा करके रखा हुआ है क्योंकि रियर में ही सब साउंड अटैच्ड है, तो मैं आपको एक डेमो भी दे सकता हूँ। तो इस वीडियो में तो कॉपीराइट आएगा ही, तो आप लोग समझ लीजिए मैं कोई भी गाना चला रहा हूँ। मैं बेस बढ़ा रहा हूँ। तो अगर मैं यही वाला ट्राई करूं तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 4.1 में आराम से ये चलता है, लेकिन 5.1 और 2.1 में ये काम नहीं करता है क्योंकि इसका देखिए मैं दिखाता हूँ, क्योंकि इसका जो फ्रंट स्पीकर है वो कनेक्टेड नहीं है, तो ऑब्वियसली ये काम नहीं करेगा। देखिए मैं फिर भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए अभी ये 2.1 मोड पे है और सिर्फ सबवूफर काम कर रहा है और बाकी का सब स्पीकर अभी ऑफ है, क्योंकि 2.1 में फ्रंट 2 और सबवूफर काम करना चाहिए, तो फ्रंट 2 में तो है नहीं कुछ, तो इसलिए यही वाला सिर्फ बज रहा है। अब देखिए ये देखिए 3D में है, 3D मतलब 5.1। इसका जो साउंड है वो जैसे रियर में होता है थोड़ा सराउंडिंग इफेक्ट वाला, वही वाला साउंड आ रहा है। देखिए गाना चल रहा है लेकिन इसका सिर्फ साउंड सराउंडिंग वाला इफेक्ट आ रहा है, कोई वॉइस उतना है नहीं और सब ऊपर है। अभी देखिए 4.1 में स्विच करूंगा। ठीक है, और इसका इसके लिए जो इसका जो क्या होता है रिपेयरमेंट का उसका मैं एक वीडियो दूंगा, लेकिन फिलहाल जो इसका प्रॉब्लम है मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों से शेयर किया है, तो प्लीज इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसको जो भी ये लॉजिटेक का Z906 यूज करते हैं वो लोग प्लीज कमेंट में बताएं कि आप लोगों का भी कुछ इशू हो रहा है कि नहीं। और कंपनी में इसको पता नहीं ये लोग अपना पॉलिसी चेंज करेगा कि नहीं, पर ये जरूर होना चाहिए। तो मेरे तरफ से यही है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू, बाय बाय।